आज की हमारी हॉट वेब सीरीज का नाम है वॉकमैन पार्ट 3। रोशनी की माँ फोन करके बोलती है कि अरे बेटा क्या कर रही हो। रोशनी बोलती है कुछ नहीं माँ, बस घर के काम कर रही थी। उसकी माँ बोलती है कभी तो आवाज में चुलबुलापन ला। रोशनी बोलती है अभी मेरा मूड आपसे बहस करने का नहीं है। तब उसकी माँ बोलती है कि मैंने ललन को तुम्हारे घर भेज दिया है। रोशनी फोन करके मोहन को बताती है कि हमारे घर से ललन यहाँ काम करने के लिए आ रहा है, इसलिए आप दफ्तर से आते समय उसे भी लेते आइएगा। ललन मोहन के साथ आता है तो रोशनी बोलती है तुम काफी पतले हो गए हो। तब ललन उसे स्टैचू बना के बोलता है कितनी बार बोला है अब हम लल्लू नहीं रहे, ललन नाम है हमारा। दूसरे दिन ऑफिस में चंदन मोहन को बोलता है चलो यार चाय पीने चलते हैं। मोहन बोलता है मुझे नहीं पीनी है चाय, तुम्हें पीना है तो तुम जाओ। चंदन बोलता है बताओ क्या हुआ। तब मोहन बताता है कि रोशनी के घर से ललन आया है जो नौकर कम और उसका दोस्त ज्यादा है। वो कोई काम तो करता नहीं, उल्टा रोशनी उसे नाश्ता पानी करवा रही है। चंदन उसे सुझाव देता है कि गुरु टाइम रहते इससे निपट लो। रात में रोशनी ललन के पास जाती है और उसके साथ अकड़ बकड़ बम्बे बॉल वाला खेल खेलते हुए अपने पैर को ललन के हथियार के पास ले जाकर बोलती है तुम अभी तक ललन नहीं बने, अभी भी लल्लू ही हो, इसलिए तुम सुबह का बस पकड़ के गाँव चले जाना क्योंकि लल्लू का कोई काम नहीं है यहाँ। मोहन रोशनी को बोलता है कि मेरी मौसी की बेटी का बेटा सनी आ रहा है क्योंकि वह किसी लड़की के प्यार में था और उसका ब्रेकअप हो गया है। उसके बाद सनी आता है तो मोहन बोलता है कि तुम थक गए होगे तो आराम करो, हम शाम को मिलते हैं क्योंकि अभी मुझे ऑफिस जाना है। रोशनी सफाई कर रही होती है तो सनी उसे ध्यान से देखता है, लेकिन तभी रोशनी सनी को देखकर अचानक गिर जाती है। सनी जल्दी से आता है और रोशनी को उठाकर सोफे पे रखता है। वह सनी से बाम मंगा के खुद ही लगाने लगती है तो सनी बोलता है मैं बाम लगाने में मदद करूं क्या। रोशनी हाँ बोलती है तो सनी उसे बाम लगाने लगता है। उसके बाद दोनों के बीच थोड़ी बहुत बातें होती है। रोशनी फिर से गंदी कहानी सुनने लगती है जिसके जरिए हमें सनी और उसकी गर्लफ्रेंड के बीच वाली रोमांस को दिखाया जाता है। ऑफिस में चंदन मोहन को कलन के बारे में बताता है कि उसकी बीबी उसे छोड़ के चली गई है। अगले दिन मोहन बोलता है मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रहा हूँ तो तुम अपनी मामी का ध्यान रखना। सनी बोलता है जी मामा। सनी बैग खोल के अपनी गर्लफ्रेंड की नाइटी निकाल के रोते हुए बोलता है क्यों छोड़ के चली गई मुझे। रोशनी आती है तो बोलती है कब तक रोएंगे अपनी गर्लफ्रेंड की याद में। तब सनी रोशनी को गले लगा कर बोलता है कि उसकी शादी हो गई और अब तो उसकी यादों पर भी मेरा कोई हक नहीं रहा। रोशनी पेंटिंग देखकर बोलती है ये किसकी तस्वीर है। सनी बोलता है सॉरी मामी मैं तो इस्ता का बनाना चाहता था पर आप मेरे दिमाग में थी तो आपका ही बन गया। रोशनी बोलती है मैंने आज तक ऐसी सेक्सी नाइटी नहीं पहनी है और न ही तुम्हारे मामा जी ने ला कर दिया, अब हम जाते हैं तुम तैयारी कर लो। सनी तैयारी कर लेता है। उसके बाद दोनों के बीच वही सब होता है।